इंस्टॉलमेंट जो आपकी जाएगी वो विद इन टैक्स ईयर जाएगी 31 जनवरी 2020। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी आफ्टर टैक्स ईयर जाएगी 31 जुलाई 2020, और फाइनल सेटलमेंट आपकी होगी 31 जनवरी 2021। तो बेसिकली ये तीन डेट्स हो गई हमारे पास। पहली डेट्स ऑफ पेमेंट आ गई आपकी 31 जनवरी 2020 विद इन टैक्स ईयर, 31 जुलाई 2020 आफ्टर टैक्स ईयर, एंड 31 जनवरी 2021 आफ्टर टैक्स ईयर। दिस इज द फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, जरूरी नहीं है हर चीज के लिए आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़े, आपको इंस्टॉलमेंट की कंडीशंस और उसकी कैलकुलेशन का तरीका सीखना है कि कब इंस्टॉलमेंट देनी है और कब इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देनी। तो जो पीओए है हमारे पास, जो पेमेंट ऑन अकाउंट है, तो ये बात ध्यान में रखे कि आपको जो पेमेंट ऑफ अकाउंट देनी है वो पेमेंट ऑफ अकाउंट आपको हर चीज की नहीं देनी। पेमेंट ऑफ अकाउंट आपको सिर्फ किसकी देनी है? पेमेंट ऑफ अकाउंट आपको देनी है इनकम टैक्स की, पेमेंट ऑफ अकाउंट आपको देनी है क्लास 4 NIC की। याद है क्लास 4 NIC जो कि सोल ट्रेडर को पे करना पड़ता है। सो नो POA इज रिक्वायर्ड फॉर, बाकी क्या बचा? बाकी बचा आपका क्लास 2। अच्छा, क्लास 1 जो है ना, क्लास 1 प्राइमरी, क्लास 1 सेकेंडरी, क्लास 1A, वो तो इंप्लॉयमेंट में कवर हो जाता है, इनकम टैक्स के अंदर इंप्लॉयमेंट कवर हो जाता है, तो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे। क्लास 2 जो है आपका, और कैपिटल गेन टैक्स यानी कि CGT, ये इंस्टॉलमेंट में पे नहीं होता। नो इंस्टॉलमेंट इज नीडेड फॉर दिस। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट आपको सिर्फ किसकी देनी है? इनकम टैक्स की देनी है। उसके अंदर आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ आ जाती है, और क्लास 4 NIC की देनी है। क्लास 2 NIC आपको लमसम एक गो के अंदर पे करना है, सही है? अच्छा, अब आपका जो POA होगा वो कैलकुलेट कैसे होगा, सही है? तो POA जो कैलकुलेट होता है वो आपका पिछले साल के ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रीवियस ईयर के ऊपर कैलकुलेट होता है। करंट ईयर तो अभी आया ही नहीं होगा ना, तो आपकी प्रीवियस ईयर की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वहां से POA डिटरमाइन किया जाता है। तो POA कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं रेलेवेंट अमाउंट, यानी कि आपका POA किस चीज पे बेस करता है? POA बेस करता है आपका रेलेवेंट अमाउंट पे। और रेलेवेंट अमाउंट कैसे निकालते हैं? रेलेवेंट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी पिछले साल की टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे कि आपकी पिछले साल की टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई थी। इसके अंदर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी का मतलब है इसमें इनकम टैक्स और क्लास 4 कंसिडर किया हमने, कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई कंसिडरिंग इनकम टैक्स एंड क्लास 4, और इसमें से हम माइनस कर देंगे पेई। पेई कहते हैं पे एज यू अर्न, यानी कि एडवांस टैक्स जो आपने लास्ट ईयर पे किया था। ये जो पेई है ये डिडक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में से। तो अगर किसी ने एम्प्लॉयमेंट में एडवांस टैक्स पे किया था तो वो एडवांस टैक्स इसमें से डिडक्ट हो गया होगा, और आपकी जो लायबिलिटी आई होगी, रेलेवेंट अमाउंट आया होगा, उस रेलेवेंट अमाउंट के आप दो हिस्से करेंगे, उस रेलेवेंट अमाउंट को आप दो हिस्सों में तोड़ देंगे। दो इंस्टॉलमेंट है तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक आपको पे करना होगा 31 जनवरी 2020 को, और एक आपको पे करना होगा 31 जुलाई 2020 को, सही है? अगर पिछले साल कोई रेलेवेंट अमाउंट नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपको POA या इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि आपका POA जो है वो क्या हो सकता है पॉसिबल। सो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ 2019 और 20 के लिए POA कैलकुलेट करने की। तो हम ये कहते हैं कि 18-19 में हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी थी 6,000, इनकम टैक्स लायबिलिटी थी 6,000,
और हमने पेई पे किया था 1500 का, उस 6000 में एडवांस टैक्स 1500 का गया हुआ था। सही है, कैलकुलेट पीओए फॉर टैक्स ईयर 19-20। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम कैलकुलेट करेंगे रेलेवेंट अमाउंट, और रेलेवेंट अमाउंट किस पे बेस कर रहा है, रेलेवेंट अमाउंट पिछले साल पे बेस कर रहा है। तो हम रेलेवेंट अमाउंट निकालेंगे, रेलेवेंट अमाउंट बनेगा इनकम टैक्स लायबिलिटी 6000, और इसमें से हमने जो एडवांस टैक्स पे किया था पेई वो माइनस कर दिया, तो हमारी जो लायबिलिटी रेलेवेंट अमाउंट बना वो कितना बना, वो बना आपका 4500, 4500। सही है, 4500 जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके दो हिस्से कर देंगे। ठीक है, 4500 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2250 पीओए, आपका बन गया पीओए 1 एंड पीओए 2। तो पहला पीओए आप पे करेंगे 31 जनवरी को, और दूसरा पीओए आप पे करेंगे 31 जुलाई को। ठीक है जी, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि बाज दफा आपको पीओए नहीं देना पड़ता। तो कब आप पीओए नहीं देंगे, उसकी एक एक्सेप्शन है। जब आपको पीओए नहीं देना पड़ेगा, ये बात एग्जाम में ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट डायरेक्ट लायबिलिटी पे करें आप। तो उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कौन सी, इनकम टैक्स एंड क्लास 4 एनआईसी, ये मिलाकर सही है माइनस पेई जो आंसर आया यानी कि रेलेवेंट अमाउंट वो 1000 से इज लेस देन 1000 पाउंड, पहला एक्सेप्शन। तो अगर मेरी टोटल लायबिलिटी पेई डिडक्ट करने के बाद 1000 से कम है तो मैं कहूंगा पीओए इज नॉट रिक्वायर्ड। पिछली एग्जाम्पल में रेलेवेंट अमाउंट था 4500, तो अगर रेलेवेंट अमाउंट 1000 से कम आ जाए तो पीओए इज नॉट नीडेड। सही है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आपका टैक्स लायबिलिटी का 80% से ज्यादा, वॉज मेट बाय एडवांस टैक्स, यानी कि आपने जो भी लायबिलिटी बनती है उसका मोर देन 80% आप एडवांस में पे कर चुके हैं। तो अगर आप एडवांस में पे कर चुके हैं तो अल्टीमेटली फिर आपको पीओए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसलन आपने चेक किया कि आपकी जो लायबिलिटी बनती है वो है 6000, तो आपने चेक किया कि आपकी जो लायबिलिटी है वो है 6000, तो आपने अल्टीमेटली कैलकुलेट किया कि आपकी लायबिलिटी का मोर देन 80%। तो हमने कहा 6000 लायबिलिटी है, इसका 80% चेक करें कितना बनता है, 4800। अब आप अपना पेई चेक करें, पेई बनता है 15000, इसका मतलब है लायबिलिटी का 80% से पेई कम है, तो इसका मतलब है यू नीड टू पे पीओए, एक्सेप्शन नहीं फॉलो रही। हाँ, अगर पीओए 4900 होता, 5000 होता तो हम कहते हैं कि पीओए हमें नहीं देना। सही है, अच्छा, क्योंकि क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जो पेई डिडक्ट होता है वो एम्प्लॉयमेंट में से डिडक्ट होता है। पेई कहां से डिडक्ट होता है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में से डिडक्ट होता है। तो अगर एक शख्स की इनकम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है तो देर आर लाइकली चांसेस के इसका पेई जो होगा उसकी लायबिलिटी के 80% से ज्यादा होगा, तो उसे एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं जनाब के, चले हमने इंस्टॉलमेंट तो निकाल ली। अब हमने इंस्टॉलमेंट निकाल ली तो हमारी जो फाइनल पेमेंट है
पहला पीओए, फिर दोबारा डेट्स पे आ जाते हैं, 31 जनवरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, दूसरा पीओए 31 जुलाई ड्यूरिंग द आफ्टर टैक्स ईयर, और तीसरा बैलेंसिंग पेमेंट। अब ये फाइनल बैलेंसिंग पेमेंट है, और ये जो बैलेंसिंग पेमेंट है ये आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पे बेस कर रही है। आपको पता होना चाहिए 19-20 में आपकी कितनी लायबिलिटी बनी, और वो आप फाइनली पे कर देंगे 2021 के ऊपर। इससे डिले होगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टीज देनी पड़ेगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बैलेंसिंग पेमेंट कितनी है? तो बैलेंसिंग पेमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 1920। उसके अंदर आप क्या क्या कवर करेंगे? उसके अंदर आप कवर करेंगे सब कुछ, इनकम टैक्स कवर करेंगे, क्लास फोर कवर करेंगे, क्लास टू कवर करेंगे, सीजीटी कवर करेंगे। ये सब कवर किया आपने, हाँ, 31 जुलाई 2002 कहाँ गया? थर्टी फर्स्ट जुलाई 2020। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपने निकाली, और टोटल टैक्स लायबिलिटी में से अब आपको क्या कर रहा है, याद रहे ये टोटल टैक्स लायबिलिटी किसकी होगी? 1920 की एक्चुअल टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी। इसमें से आप माइनस करेंगे पेई 1920 का। ये बड़ी गड़बड़ है, कौन सा पेई माइनस होगा? तो जब एक्चुअल निकालेंगे तो एक्चुअल माइनस होगा, सही है, ये माइनस कर दिया। उसके बाद अगर आपने दो पीओए पे किए थे तो वो दो पीओए इसमें से माइनस कर देंगे, और उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो वो सरप्लस क्या कहलाएगा? वो सरप्लस कहलाएगा बैलेंसिंग पेमेंट। अब यहां तक किसी का कोई सवाल? फॉर एग्जाम्पल, आपको 1819 का डेटा प्रोवाइड किया गया। 1819 में आपका इनकम टैक्स था 9400 का, आपका पेई था 2100 का, क्लास टू एनआईसी 153 का था, क्लास फोर एनआईसी 700 का था, और सीजीटी आपका था 3347, और आपकी टोटल लायबिलिटी बनी 11,500। ये पिछले साल का डेटा है। कैलकुलेट पीओए, क्या पीओए देना है और उसकी डेट्स बताएं कब देना है। अब हम पीओए कैलकुलेट करेंगे, उसकी डेट्स निकालेंगे कि पीओए आपको कब देना है और किस कंडीशन में देना है, डेट क्या होगी, एक्सेप्शन भी चेक करेंगे कि एक्सेप्शन तो अप्लाई नहीं हो रही। तो अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है रेलेवेंट अमाउंट निकालना। तो मैं यहाँ पर इसका अगर रेलेवेंट अमाउंट कैलकुलेट करूं तो उसका रेलेवेंट अमाउंट बनेगा, रेलेवेंट अमाउंट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, ये लेना होता है, सही है। रेलेवेंट अमाउंट के लिए मुझे ये लेना होता है, रेलेवेंट अमाउंट के लिए मुझे ये लेना होता है। ये आपको आइसोलेट करना पड़ेगा इसके अंदर से कि क्या क्या रेलेवेंट अमाउंट है। सो अल्टीमेटली मेरा इनकम टैक्स है 9400 का, इसमें से मैंने पेई माइनस किया, ऐसे कर लेते हैं, मेरा इनकम टैक्स है 9400 का, इसमें मैंने 700 ऐड किया और इसमें से पेई माइनस किया, क्या रेलेवेंट अमाउंट बनता है? अब मैं अपने इस रेलेवेंट अमाउंट को चेक करूंगा कि ये क्या ये रेलेवेंट अमाउंट एक्सीड कर रहा है 1000 से? यस, एक्सीड कर रहा है 1000 से।
और इसका 20% कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स लाइबिलिटी का 20% कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी का जो 20% होगा आपका, वो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है आपकी 9400 और प्लस 700, ये इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, तो ये बनता है 10100, इसका आपने 80% निकाला। कितना आएगा 80%? 8080। दूसरा तरीका, आप 20% भी निकाल सकते हैं, 8080। तो अब आप देखें कि आपका जो पेई है वो पेई है 2100 और पेई इससे कम है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब हम ये कहेंगे पीओए इज रिक्वायर्ड। दोनों एक्सेप्शन हमने चेक की और हमने कहा पीओए आपको देना पड़ेगा। अब पीओए के लिए जो आपने रेलेवेंट अमाउंट कैलकुलेट किया था 8000 का, तो वो रेलेवेंट अमाउंट को आपने सिंपल क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और आपका पहला पीओए 4000 और आपका दूसरा पीओए कितना आएगा 4000 का। पहले की डेट होगी 31 जनवरी और दूसरे की डेट होगी 31 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग पेमेंट पे चलते हैं। सो इनकम टैक्स लायबिलिटी 18-19 की हमारे पास मौजूद है 5100, कलेक्ट हुआ है हमारे पास 1250 का। अच्छा जी, 1920 की हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है फाइनल 7629 और पेई जो हमने कलेक्ट किया है उसके अंदर से वो बनता है 1635। कैलकुलेट पीओए एंड बैलेंसिंग पेमेंट, पीओए निकाले और बैलेंसिंग पेमेंट निकालनी है। तो पीओए निकालने के लिए तो हम 1819 पे जाएंगे और बैलेंसिंग पेमेंट निकालने के लिए हम 1920 पे जाएंगे। तो हम सबसे पहले पीओए पे बात करते हैं। तो हमारे पास जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो है 5100 की, तो हम उसका रेलेवेंट अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे लिए रेलेवेंट अमाउंट का डेटा है पिछले साल का, तो टैक्स लायबिलिटी हमने निकाली 5100। उस टैक्स लायबिलिटी में से हमने उस साल का पेई डिडक्ट किया। उस साल का हमारा पेई कितना था? उस साल का हमारा पेई बन रहा था 1250। सो 1250 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास रेलेवेंट अमाउंट आया 3850। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3850 हमारे पास रेलेवेंट अमाउंट आ गया। क्या ये 1000 से ज्यादा है? सो आंसर है यस। सही है, और अगर हम इसका 80% निकालेंगे तो 80% हमें पता लग जाएगा कि वो पेई से ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है, इसका मतलब है पीओए पे करना पड़ेगा। तो पीओए हमारा कितना होगा इस केस के अंदर? हमारा पीओए होगा 3850 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा जो दो पीओए बनेंगे वो बनेंगे 1925 ईच। ये दो इंस्टॉलमेंट्स आ गई। उसके बाद जब हम 1920 पे गए तो हमने एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ली। हमारी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर मेंशन थी, जो मैंने दी थी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, वो थी 7629। सो हमने 7629 लिया, उसमें से हमने उस साल का पेई माइनस किया जो के था 1635, और मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं, दो पीओए दे चुका हूं, तो वो दो पीओए मैंने माइनस कर दिए 1925 ईच।
1925 × 2 3850, ये डिडक्ट कर दिए, क्या बैलेंस बचा? तो आपके पास बैलेंस बचा 2144 एंड दिस इज दी बैलेंसिंग पेमेंट। और ये बैलेंसिंग पेमेंट की डेट क्या होगी? टैक्स ईयर गुजरने के बाद जो 31 जनवरी आएगा 2021, ये उसकी बैलेंसिंग पेमेंट होगी। अब एक बात बताएं, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये कैलकुलेट हो सकता है, पहली बात अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 के लिए पीओए बताएं, तो हम कहेंगे हमारा जो 2021 का पीओ है वो 1920 की एक्चुअल लायबिलिटी पे बेस कर रहा होगा। तो हम 1920 की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पे गए, 1920 की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है 7629, उसके ऊपर गए तो हमने उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ली, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनी 7629, उसमें से पेई माइनस किया, तो हमारे पास रेलेवेंट अमाउंट आया 5994, ये 1000 से ज्यादा है और 80% वाली कंडीशन भी मीट हो रही है। तो हमारा जो पहला पीओए होगा 1920 के अंदर वो होगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 2594/2 इज इक्वल टू 2997। सो ये हमारा पीओए होगा। और इस पीओए की डेट क्या होगी? एक पीओए जो है वो 19-20 के अंदर पे होगा तो उसकी डेट होगी 31 जनवरी 20। एक पीओए गुजरने के बाद होगा तो 31 जुलाई 20। और उसकी जो फाइनल सेटलमेंट होगी 2021 की वो 31 जनवरी में आगे जाके होगी। एक सेकेंड वेट, 31 जनवरी 2020 नहीं, 2020। अच्छा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि समटाइम्स एक टैक्स पेयर ये क्लेम करता है कि जो मेरा एक्चुअल पीओए बन रहा है मैं वो एक्चुअल पीओए नहीं दूंगा, बल्कि मुझे रिड्यूस पीओए कैलकुलेट करने के लिए अलाउ किया जाए।